वक्त अदालत और आवाम के सवाल सीरीज के पांचवें एपिसोड में आज एडवोकेट जब्बार गोला ने शहर के यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सफा के पीछे चल रही सियासी साजिशों का पर्दाफाश किया है। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए शुरू की गई वक्फ अदालत और आवाम के सवाल नामी सीरीज में अब तक चार एपिसोड में आपने मुख्तलिफ वक्फ घोटालों को एक्सपोज होते देखा है और आज पांचवें एपिसोड में एडवोकेट जब्बार गोला ने शहर का खदीम वक्फ इदारा यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सफा के अलावा मुख्तलिफ इशूज पर बात की है। गुलबर्गा शहर में 18 अक्टूबर को वक्फ मिनिस्टर बीजा जमीर अहमद खान के जरिए रखी गई वक्फ अदालत में टोकन नंबर 216 के जरिए शिकायत दर्ज कराई गई थी। एडवोकेट जब्बार गोला ने कहा इन्हें उम्मीद थी कि जमीर अहमद खान के सामने इन्हें यतीम खाना और दीगर इशूज पर बात करने का मौका दिया जाएगा, पर अफसोस वक्फ अदालत में दो चार लोगों के सिवा किसी को बात करने का मौका नहीं मिला। इसलिए गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए पांचवें एपिसोड में तमाम सियासी साजिशों का पर्दाफाश किया गया है। एडवोकेट जब्बार गोला ने कहा अंजुमन अंसारुस्सफा गुलबर्गा शहर का एक कदीम इदारा है और 2019 से 2022 तक बनी यतीमखाने की इलेक्टेड बॉडी को सियासी साजिशों के चलते ख़त्म किया गया है। 2022 से लेकर अब तक जानबूझकर इलेक्शन को रोका जा रहा है। यतीमखाना अंजुमन अंसारुस्सफा वाहिद एक ऐसा इदारा है जहां पूरी ईमानदारी के साथ ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए एक एक रुपये का हिसाब वक्फ बोर्ड के अलावा आम जनता के सामने रखा जाता है। यतीमखाने के अलावा जितने भी वक्फ इदारे हैं वहां पैसों का हिसाब इस तरह जाहिर नहीं किया जाता और कई ऐसे इदारे हैं जहां लाखों रुपयों के घोटाले चल रहे हैं पर इसके बावजूद उन इदारों को खुली छूट दी गई है। 2019 से 2022 तक सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट यतीमखाने के सदर थे और एडवोकेट जब्बार गोला के अलावा दीगर मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदार पूरी ईमानदारी के साथ यतीमखाने के डेवलपमेंट के लिए काम करते आ रहे थे। इसके बावजूद जानबूझकर यतीमखाने को टारगेट कर मैनेजिंग कमेटी को हटाया गया है और सियासी साजिशों के चलते अब तक इलेक्शन को रोका गया है। एडवोकेट जब्बार गोला ने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक और बीजेपी जमीर अहमद खान से गुजारिश कर यतीमखाने के इलेक्शन करवाने का मुतालिबा किया है। गुलबर्गा शहर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों पर कई इल्जाम लगाते हुए एडवोकेट जब्बार गोला ने अब तक जानबूझकर इलेक्शन न करवाने पर नाराजगी जाहिर की है। एडवोकेट जब्बार गोला ने कहा मैनेजिंग कमेटी का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इलेक्शन करवाने के बजाय वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ को जानबूझकर केयरटेकर बनाया गया है और इस दौरान 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने का वादा भी किया गया था, लेकिन अब तक 8 महीने गुजर गए और इलेक्शन करवाने का कोई नाम नहीं ले रहा। एडवोकेट जब्बार गोला ने तमाम डिटेल बताते हुए नाराजगी जाहिर कर जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने की गुजारिश की है। यतीम खाने के अलावा कई दीगर कब्रस्तान और शहर के कदीम मस्जिदों पर भी सवाल उठाए गए हैं और साथ ही इस मौके पर एडवोकेट जब्बार गोला ने वक्फ बोर्ड ऑफिसर और चेयरमैन से वक्फ जमीनों की इनकम और इनके जरिए मुसलमानों को पहुँचाए जा रहे फायदों पर भी कई सवाल उठाए हैं। मजीद एडवोकेट जब्बार गोला ने क्या कहा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप लोगों के सामने आने का वाहिद मकसद ये है कि शहर गुलबर्गा में 18 तारीख सितंबर 2024 को एक वक्फ अदालत रखी गई थी, वहाँ पर मैंने भी कुछ कंप्लेंट दी थी तो उसका टोकन नंबर 216 मुझे दिया गया था। मेरे नंबर तक तो पहुँचना बहुत दूर की बात है, वक्फ अदालत किसके नज़र हो गई नहीं मालूम। वक्फ अदालत 2-3 लोगों के सुनवाई होने के बाद वक्फ अदालत ख़त्म की गई हरी भरी में, वो मैटर क्या था क्या प्रॉब्लम थे नहीं मालूम, ख़त्म करके चले गए। वक्फ अदालत थी बोल के बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, गुलबर्गा के लोगों को, शहरियान को, और यादगिर से भी लोग तशरीफ़ लाए थे अपनी अपनी शिकायतें लेकर जमीर अहमद खान साहब के बड़े बड़े दावे बड़े बड़े बातें सुनकर कुछ मसले के हल के लिए यहाँ पर आए थे, वो मसले के तो कुछ हल हुआ ही नहीं। लिहाजा मैंने 3 चीज़ों पर वहाँ पर कंप्लेंट की थी कि नंबर 1 यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सफा गुलबर्गा एक पुराना और एक मोतबर नाम है हैदराबाद कर्नाटक। मैं समझूंगा कि हैदराबाद कर्नाटक क्या बेंगलुरु के बाद अगर कोई इदारा है इतनी बड़ी ज़मीन पर तो यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सफा है। अगस्त 2022 को हमारी मुद्दत यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सफा का पीरियड ख़त्म हो गया 2019 से 2022 तक। उसके बाद से मुसलसिल हम लोगों ने नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड को जिसे नॉर्म्स है लेटर भी भेजे, कमेटी की जानिब से लेटर भेजे गए वक्फ बोर्ड को, गुलबर्गा वक्फ ऑफिस को भी इसके बारे में इतला दी गई। हमारा टर्म होने के बाद भी हम इतला दिए, उसके बाद भी अभी तक वक्फ बोर्ड हरकत में नहीं आ रही है। ये एक ऐसा वाहिद यतीम खाना है गुलबर्गे में हैदराबाद कर्नाटक में कि इसकी मिसाल मैं समझता हूँ पूरे कर्नाटक में क्या पूरे इंडिया में भी बहुत कम मिलेगी। वो इस वजह से कि हमारे पास वेबसाइट है, गवर्नमेंट को हिसाब देने के साथ साथ हर पब्लिक हर शहरी गुलबर्गा हो बिदर हो
बल्लारी हो, बेंगलुरु हो, उससे हटकर भी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली के जो लोग चाहे वेबसाइट दबाकर हमारे अकाउंट चेक कर सकते हैं हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हम मेंटेन करे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर वक्त पे इलेक्शन ना होना, ना करवाना, ये किसकी साजिश है या किसकी सियासत है, ये समझ से बाहर है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से हमारी गुजारिश यही है कि यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सफा के इंतखाबात जल्द से जल्द करवाएं। MLA कनीज़ फ़ातिमा साहबा की जानिब से एक लेटर दिया गया कि यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सफा में एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अंजुमन अंसारुस्सफा यतीम खाने में एडमिनिस्ट्रेटर की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वहाँ पर इलेक्टेड बॉडी नहीं थी? क्या वो बॉडी बराबर काम नहीं कर रही थी? क्या वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? क्या वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुआ? क्या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इतने अच्छे इदारे को वहाँ पर क्यों साजिश रची गई? क्यों वो लेटर दिया गया? उसके बाद हमारे दूसरे मेंबर्स भी, 9-8 मेंबर्स ने भी उनसे बात की, फिर वो वापस लिया गया। फिर एक साल के बाद, 10 महीने के अरसे के बाद फिर एक लेटर इशू हुआ। हज़रत अली जो वक्फ ऑफिसर हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के, वक्फ ऑफिस के, उनको जो है केयर टेकर बोल के लेटर दिया गया। क्यों केयर टेकर बोल के लेटर दिया गया? किसके इशारे पे दिया गया? अरे भाई, हमारा डिमांड ये है, हमारा कहना ये है, हमारा पीरियड ख़त्म हुआ 3 ईयर्स का, आप इलेक्शन कराओ ट्रांसपेरेंसी के साथ। वो छोड़कर आपको किसने कहा, कौन सा मेंबर कहा, कौन से शहरियार ने कहा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ, उसके बाद केयरटेकर बनाओ? और केयरटेकर को भी आर्डर ये है कि विद इन 3 मंथ्स में ही शुड कंडक्ट द इलेक्शन। आप 6-8 महीने हो गए, आप कौन जिम्मेदार हैं? उतनी बड़ी रकम हम रख रहे हैं वहाँ पर, उतना बड़ा मैनेजमेंट है, कौन देख रहा है वहाँ पर? किसकी जिम्मेदारी है, किसकी निगरानी है वहाँ पर? यहाँ पर क्यों ऐसी शरारत की गई? 3 महीने, अगर 6 महीने हुए, मुसलसिल मैं पूछ भी रहा हूँ हज़रत अली को। हज़रत अली ये बोलते हैं मॉडल बायलॉज नहीं आ रहा है, उसमें चेंजेस ला रहे हैं। हद तो ये हो गई, बोलते बोलते 6-7 महीने चले गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है यतीमखाना में। और वहाँ पर देखने में आ रहा, अब एक नई बात शुरू करे हैं कि वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO जिसे हम CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड में नहीं है। पिछले 6-7-8 महीनों से बगैर CEO के वहाँ पर काम कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, आप लोग बखूबी जानते हैं। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि वाहिद मकसद हमारा आने का चैनल पे और वक्फ अदालत में ज़मीर अहमद ख़ान से बहुत ही उम्मीद थी मुझे कि उन्होंने ये बातों को हम उनके सामने रखेंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस मसले का हल तलब करेंगे। वो बात तो नहीं हुई है, लिहाजा इस ज़मन में हमने लेटर भी उनके लिखे हैं, वक्फ बोर्ड को भी लिखे हैं, ज़मीर अहमद ख़ान साहब से हम मिलकर और एक बार गुजारिश करेंगे। और दूसरी वजह, गुलबर्गा में जितने भी नाआबाद मसाजिद हैं उसके बारे में क्या वक्फ बोर्ड एक्शन ली? खासकर शाहबाजार शेख रोजा एरिया में एज पर रिकॉर्ड 12 मसाजिद खंडर में तब्दील होने जा रहे हैं, गिलाजत करते हैं लोग वहाँ पर, पेशा पैखाना करते हैं वहाँ पर, वो मस्जिदें नाआबाद हैं, उसकी तरफ किसी की भी नज़र नहीं है। जब वक्फ बोर्ड को, वक्फ ऑफिस को इसकी इत्तला दी जाती है तो ऑफिसर इसको एकदम लाइट ले लेते हैं, बिल्कुल हमारा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? शहरियान या वक्फ में इंटरेस्टेड पार्टी जो भी हैं वो उनको कंप्लेन करते हैं तो बिल्कुल लाइट लेते हैं, जाके इंस्पेक्शन भी नहीं करते। अब जो सवाल है, अभी एक दो मस्जिद अय्यरवाड़ी के पिछले एरिया में हैं, वहाँ पर एक साहब जो ज़रा दबदबा वाला शख्सियत है, हमारे ब्रदरान वतन हैं, उन्होंने अपना शर्ट डाल के बैठे हुए हैं, वो मैटर कोर्ट में चल रहा है। वक्त में इंटरेस्ट रखने वाला एक हमारा भाई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, ज़ाती जेब के पैसे खर्चा कर रहा है, वक्त में इंटरेस्ट है बोल के, उसको भी वक्त के अहबाब बराबर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बड़े शर्म के साथ ये बात करनी पड़ रही है, किनों कब्ज़ा, किस लोगों ने कब्ज़ा कर रहे हैं, किस लोगों की बुरी नज़र है, किस लोगों की साजिश है यहाँ पर? ऐसे कई इदारे हैं। और मस्जिद बड़की बोली कब्रस्तान, मैं उसका नायब सदर और लीगल एडवाइज़र हूँ, हमारा कदीम कब्रस्तान है गुलबर्ग का, एक देखने के काबिल है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि कभी आप
एक राउंड लगाई है कब्रिस्तान, कितना अच्छा खूबसूरती के साथ कब्रिस्तान को मेंटेन किया जा रहा है। हमारे महल्ले के लोग हम देख रहे हैं वहाँ पर, वो कमेटी के लिए नई कमेटी तश्कील करने के लिए एक साल का वक्फे से ज़्यादा हुआ, कब्रिस्तान कमेटी का अप्रूवल अभी तक नहीं आया। क्या वजह है? हम चेयरमैन से मुलाकात करते हैं, वक्फ ऑफिसर से मुलाकात करते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके वो वक्फ कमेटी का अप्रूवल अभी तक नहीं आया। क्या रीज़न है? एक साल डेढ़ साल का करीब अरसा हुआ। साथ ही साथ वहाँ पर एक मस्जिद भी है कब्रिस्तान के अंदर, मस्जिद निज़ामी, उसका अप्रूवल आया है, हमारे कब्रिस्तान का अप्रूवल क्यों नहीं आया? क्या वजह है? ये भी हम बार बार उनसे नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके बाद तसल्ली बख्श वहाँ से जवाब ना तो हमारे चेयरमैन का आता है गुलबर्गा के, ना तो हज़रत अली का आता है। ऐसा एटीट्यूड क्यों है? ये तमाम जायदादें वक्फ के अंडर ही है ना भाई, कोई ज़्यादा जरादारी तो नहीं कर रहा, कोई मनमानी तो नहीं कर रहा, कोई लूट के तो नहीं खा रहा। और अहम बात और अक्सर देखने में आ रहा है कि शहर गुलबर्गा के वक्फ ऑफिस से कभी चेयरमैन कभी वक्फ ऑफिसर ये दावा करते रहते हैं कि गुलबर्गा में फ़लाँ सर्वे नंबर, गुलबर्गा में वो फ़लाँ सर्वे नंबर, वो गांव का सर्वे नंबर को वक्फ की जायदाद थी, इनक्रोचर के पास से हम वापस लिए, इनक्रोचर के पास से लिए। क्या मैं ये चैनल के ज़रिए वो अहबाब से पूछना चाह रहा हूँ, ज़िम्मेदारों से पूछ रहा हूँ वक्फ के गुलबर्गा के, अगर वो ज़मीनात अगर लिए हैं तो सर्वे नंबर कितना एकड़ कौन से एरिए में है, उसकी आमदनी कितनी आ रही है, वो लैंड वेकेंट है क्या, एग्रीकल्चर लैंड है क्या, कुछ तो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट भी है क्या, उससे इनकम आ रही है, अच्छा इनकम आ रही है तो कितनी इनकम आ रही है, उससे किसको फ़ायदा हो रहा है, कितने गरीब मुसलमानों को उसका फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। हमने इसके बारे में भी वजाहत तलब की, इसके बारे में भी जाके पूछे तो जवाब टैं टैं फिश ऐसा जवाब मिला। तो झूठे वादे झूठे दावे क्यों कर रहे हैं आप लोग? सोशल मीडिया पे आते हैं, कभी अखबारों के ज़रिए आते हैं, कभी फ़ोटो खिंचवा के डालते हैं वहाँ पर कि वक्फ की जायदाद, तो जायदाद है कहाँ, किसके कब्ज़े में है, क्या लीगल उसकी फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट कर लिए, क्या तुम्हारा नाम आया वक्फ बोर्ड, कर्नाटक वक्फ बोर्ड बोलकर नाम आया उसमें, अगर एग्रीकल्चर लैंड है कॉरपोरेशन लिमिट में है तो क्या खाता स्टेट में कॉरपोरेशन में तुमने उसका नाम दर्ज करवाया, करवाया तो कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अगर प्राइम प्रॉपर्टी है तो कितना उसको आमदनी आ रही है, कितनी असेट है, वो बताना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, गवर्नमेंट का इदारा है ये, प्राइवेट नहीं है। जब हम एक यतीम खाने को मेंटेन कर सकते हैं ओपन ट्रांसपेरेंसी के तौर पर, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत सारे सवाल आते हैं, लिहाजा गुलबर्ग हेडलाइंस के ज़रिए मैं जितने भी अहबाब हैं जो वक्त में इंटरेस्ट रखते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के ताल्लुक से जो मुहिम चल रही है, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ये तमाम चीज़ों पे जो कहा गया है उस पर नज़रसानी करें और उस पर नज़र भी रखें। लिहाजा और एक दफ़ा मैं ज़िम्मेदारों का, ख़ासकर वक्फ के ज़िम्मेदारों का, और जो ज़िम्मेदारी अपनी समझते हैं, ज़िम्मेदारी को हम वक्फ के ठेकेदार हैं जो बोलते हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वक्फ की जायदादों को हमारे खुद क्या बोलेंगे इर्द गिर्द रहने वाले कितनी कितनी जायदादें पे कब्ज़ा बनाए रखे हैं ये भी देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो जायदाद वक्फ की है, वो जायदाद वक्फ की है, उन्होंने वक्फ करें, उनको वक्फ में पूरे जहाँ भी देखो ये नज़र आता है, और कई एक के रिकॉर्ड भी हैं, रिकॉर्ड होने के बावजूद भी कोई एक्ट नहीं कर रहा, फ़लाँ साहब हमारे हैं, फ़लाँ सेठ हमारे हैं, फ़लाँ साहब उन्होंने MLA हैं MP हैं, यही बातें करके इन्फ्लुएंस में आके किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है। इसके ऊपर भी पूरे कर्नाटक हो पूरे इंडिया में यही हो रहा है, गुलबर्गा ने गुलबर्गा से हटकर भी जहाँ भी वक्फ की जायदादें हैं पॉलिटिशियन का कब्ज़ा है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ का कब्ज़ा है, या बड़े बड़े लीडरों का या मिनिस्टरों का कब्ज़ा है, या बड़े बड़े एरिए के धाक रखने वाले लोगों का, भाई लोगों का कब्ज़ा है। तो लिहाजा अगर ऐसी अगर हालत रही हमारी तो ऐसे कानून आते रहेंगे, अमेंडमेंट आते रहेंगे, फिर हम सड़कों पे उतरेंगे, फिर नुकसान होगा तो सिर्फ हमारा ही होगा। इसके ऊपर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है तमाम शहरियान को भी, तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी।